नमस्कारम। आजादी के 73 साल, भव्य भारत के सपने अभी भी 1 अरब से अधिक लोगों के दिलो दिमाग में धधक रहे हैं। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि द ब्यूटी ऑफ भारत, भारत की सुंदरता यह है कि हमने इस देश को बनाया है समानता के आधार पर नहीं, बल्कि हम जो हैं उसकी विविधता के आधार पर, विचारधाराओं में, धर्म में, जाति में, नस्ल में, हर तरह से हम सबसे रंग बिरंगे देश हैं और हमारा इस तरह बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हमारी आजादी, इस देश की आजादी, उन भयानक कष्टों और बलिदानों से हासिल हुई है जो लोगों की एक पूरी पीढ़ी ने झेली या 2-3 पीढ़ियों ने झेली। ये 73 साल हमारे अनुमानित जीवन काल, अर्थव्यवस्था, सामान्य ढांचे के मायनों में जबरदस्त प्रगति के रहे हैं। एक देश के रूप में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन सवाल हमेशा ये होता है कि क्या हम और तेज और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते थे। निश्चित रूप से कई गलतियां की गई हैं, लेकिन उन गलतियों पर सोच विचार करने का कोई मतलब नहीं है। लगातार अपनी समस्याओं की बात करने का कोई मतलब नहीं है। समय आ गया है कि आप जिस भी विचारधारा पर विश्वास करते हैं, कृपया देखें कि कैसे आपकी विचारधारा या जीवन को देखने का आपका तरीका इस देश की कई समस्याओं के लिए एक समाधान हो सकता है। कैसे आपके विश्वास इस देश के लिए एक समाधान हो सकते हैं? कैसे आपकी संस्कृति इस देश के लिए समाधान हो सकती है? लेट योर फेथ बी अ पर्सनल परस्यूट विद इन योरसेल्फ। अपने विश्वास को अपने अंदर एक व्यक्तिगत खोज रहने दें। अपनी जाति को बस इस देश की विविध संस्कृतियों के एक चित्रपट की तरह रहने दें। विचारधारा, विश्वास, जाति और पंथ का इस्तेमाल न करें बांटने वाली शक्ति की तरह, इस देश को तोड़ने के एक तरीके की तरह। हम अभी एक ऐसे मोड़ पर हैं, खासकर देश भर में फैलती इस महामारी के साथ। ये हम में से कई कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय है। देश के हर नागरिक को एक कीमत चुकानी होगी, लेकिन साथ ही ये एक जबरदस्त संभावना है। दुनिया में हम पिछड़ गए थे। हमारा देश जैसा है, यहाँ जैसी बुद्धि है, जैसा ज्ञान है, हमारे पास जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताकत है, उसके हिसाब से हमें देशों की मंडली में एक मजबूत जगह नहीं मिली है। बहुत से देशों के साथ, यहाँ तक कि एशियाई देशों में भी हम बराबरी पर नहीं है। हमारे नागरिकों का जीवन स्तर वहां तक नहीं बढ़ा है। ये एक मौका है बराबरी की स्थिति बनाने का। कई मायनों में हम कई देशों से शायद 25-30 साल पीछे रह गए हैं। ये एक मौका है कि महामारी के बाद हमारे पास एक जबरदस्त संभावना है, सिर्फ अगर हम एक देश के रूप में काम करें, अगर हम अपनी विविधता को एक संभावना की तरह इस्तेमाल करें, अगर हम इस देश के विविध पहलुओं, अपने पास मौजूद सबसे रंग बिरंगे अस्तित्व का एक महान संपदा की तरह इस्तेमाल करें। अगर 1 अरब लोग एक देश के निर्माण के लिए खड़े हो जाएं, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मानवता के इतिहास में कभी नहीं किया गया। यानी हम एक बड़े जनसमूह को जीवन के एक स्तर से दूसरे तक ले जा सकते हैं। कुछ देशों में ऐसा किया गया है, बहुत जोर जबरदस्ती के साथ, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पीढ़ी में बड़ी तादाद में लोगों, करीब 60 करोड़ लोगों को हम अगले 20 सालों में एक जीवन स्तर से दूसरे में ले जा सकते हैं। ऐसी चीज पहले कभी नहीं की गई, लेकिन इस पीढ़ी के लोगों के लिए ऐसा मौका ठीक हमारे हाथ में है, हमारे सामने है। हर नागरिक को इस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर इस देश के युवाओं को। आपको समझना होगा कि देश का भविष्य टिका है आपके कौशल पर, आपकी क्षमता पर, आपकी लगन पर, इस देश में प्रेरित तरीके से आपके काम करने पर। हम अपनी भिन्नताओं पर बहस ना करें,
हम अपनी भिन्नताओं का उत्सव मनाएं और 1 अरब से अधिक लोगों के सपने को एक जीती जागती हकीकत बनाएं। यही समय है। महामारी के बाद हमें पक्का करना चाहिए कि इस देश में खूब सारी चीजें हों, इस देश के निर्माण के लिए बड़ी केंद्रित गतिविधि। हम इस पर बहस न करें कि देश होना चाहिए या नहीं, हम इस पर बहस न करें कि राष्ट्रीयता की जरूरत है या नहीं। राष्ट्रीयता कोई धर्म नहीं है, हम हमेशा बाद में उसे मंद कर सकते हैं, लेकिन अभी जब करीब 50 से 60 करोड़ लोग अभी भी ठीक से खाना नहीं खा पाए हैं, ये उस पर बहस करने का समय नहीं है। ये विकास और खुशहाली के लिए जोर शोर से लग जाने का समय है। बाद में हम उन बारीकियों पर बहस कर सकते हैं जिन पर हम जीवन के संदर्भ में सोचना चाहेंगे। पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें इस देश को संभावना की ओर ले जाना चाहिए कि इस देश में हर इंसान के पास बराबर अवसर और संभावना हो और वो अपने जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति पा सके। भव्य भारत के निर्माण में हम में से हर किसी की एक भूमिका है, खासकर इस देश के युवाओं की। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपको खड़े होकर सही चीजें करनी चाहिए।